तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप सब सोच रहे होंगे कि ये मैच आधे पर से क्यों है। वो इसीलिए क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। हाँ पता है मुझे, मेरी थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पूरा मौज मिलेगा इस मैच का। ऐसा क्लच मारा है कि बंदे की फट के 64 हो गई है। फिलहाल आप ये सीन देखो। भैया कर दो भैया रिवाइव। मेरे टीममेट का अलग ही दुख चल रहा है, इसको रिवाइव नहीं मिल रहा है। अब मेरे दो दो नंबर है वो ऊपर जाके पहले ही निपट जाता है, और 4 नंबर के नशे देखो। पटेल तो मार देगा, डर मत। मतलब पीछे बंदा आ गया है। फिस्ट, फिस्ट। मेरा जो टीममेट है वो उसको प्रोत्साहित करता है कि तू कर सकता है, लेकिन वो उसका भांग भोसड़ा कर देता है। उधर बंदे निपटाने के बाद हम आ जाते हैं बगल वाले अपार्टमेंट में। अब बंदा यहाँ सीढ़ियों पे बैठा होता है। मेरे भाई कितना अड़ोगे? पटेल रुक सामने। अबे पटेल क्या कर रहा है? गांजा फूंक जाएगा सस्ते। नंबर एक तो 4 नंबर से अलग ही दुखी चल रहा है। कभी पीछे नहीं देखता है, कभी खुले में रिवाइव करता है। इसके जिंदगी में अलग ही भगचौती चल रही है। अब मैं अपने बंदे से पूछता नहीं हूं आपके कि ऊपर ऊपर मुझे वाला बंदा यकीन निपटा है। या नहीं, और वो गांड खोल के हाँ बोल देता है, और मैं भी यकीन कर लेता हूँ। अगर भगवान मेरा एक खून माफ करे ना, तो मैं ये 4 नंबर का करना चाहूंगा। ये भोसड़ी का कभी पीछे नहीं देखता है, कभी रिवाइव ढंग से नहीं करता है, कभी बंदा नहीं बताता है। कान मरवा रखी है भोसड़ी वाले ने, नशे में खेलता है साला। अब यहां पर सारे बंदे खत्म हो गए हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा। तभी ये उड़ता हुआ बम का गोला आता है। हनुमान को मदा बचाओ करो। अब मैं यहाँ पे रिवाइव हो रहा होता हूँ, और तभी मुझे कुछ दिखता है, और मेरी यहाँ पे दुखद मृत्यु हो जाती है। फिर से रिकॉल होने के बाद मैं आता हूँ अपार्टमेंट पे, और हाइडआउट पे यहाँ पे मेरे ऊपर होते हैं बंदे, और एक बंदा नीचे कूद के जैसे ही मेरे सामने आता है। अब जैसे तैसे उनसे बच के आता हूं, और ये 4 नंबर को देखो, साला शुरू से ही परेशान कर रखा है इसने। अब नेड़ में फट जाता है। अब कुछ भी हो, है तो अपना टीममेट ही, तो बचाना तो पड़ेगा ही। क्या और खुशी से फट टीवीएस गया? देखते ही मैं सोचता हूँ कि टीवीएस मारा जाता है आज। बहुत दिन हो गए टीवीएस चलाए हुए। अब ये बंदे क्रॉस करने की तैयारी में होते हैं। एक नॉक करने के बाद अब मैं सोचता हूँ टीवीएस है मेरे फाड़ दो इनको। पास, बिना कुछ सोचे समझे कैन फाड़ दो इनकी। जो डीवीएस उसके टकले पे टापी है ना, याद करेगा ही अगले गेम तक। अब इसको रिवाइव देने के बाद मैं सोचता हूँ थोड़ी लूट कर ली जाए। तभी ये फिर नोक होता है। कितना नोक होता है साल, मन कर रहा है मैं गेम बंद कर दूं इसके चक्कर में, भोसड़ी का गेम खेलूं कि इसको रिवाइव ही करता रहूं। पटेला सारे दिमाग बंद करके खेल रहा है। पटेल की कान में तेल लगा के इसकी कान मार लो, बहुत नोक होता है। इसको रिवाइव करने के बाद बंदे पुश कर देते हैं। तभी मैं सोचता हूँ UMP TBS, चल भोसड़ी के, चल मादर चौद, इसके लिए गाली भेजी मैंने। अब बच उधर जा। थोड़ा लूटने के बाद आगे हम जाते हैं, और बंदा हमें भाग दिखती है रहा है। ये कू। मार मार सागर, मार सागर, मार। और मार सागर, और मार। चला फोड़ दे आसपास ये की। साला ऐसी गाड़ी ठोकता है कि संभोग करवा देता है इनके बीच में। क्या मतलब गाड़ी मैंने ठोकी थी?
ठीक है कोई बात नहीं, गलती होती है। अब वहां से निकलने के बाद हम थोड़ा ड्रॉप लूटते हैं और यहां पे आते हैं। और ये भाई साहब देखो क्या डैमेज देता है, पता नहीं भोसड़ी वाले मार ने दो यार, कैसे घर में लेट रहा है मारा, कोई तो भड़वे इंसान को। गोटे मुंह में आने वाले थे उस बंदे के। उसको डैमेज देता हूं, उसकी कान फट जाती है। कांड फट्टू मैं बंदे भी होते हैं सोचता हूं यार। मेरा निकलने का टाइम हो गया है, तभी बहुत बढ़िया शुभम। जैसे ही मैं बग्घी में बैठता हूँ पीछे वालों की कान में दर्द हो जाता है। पता नहीं ये पीछे वाले कब क्या पीछा छोड़ेंगे भोसड़ी के। यहां तक वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।